हेलो गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चल में। अखिलेश यादव की कार के सामने महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश, खुद के ऊपर छिड़का कैरोसिन। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट कहां से आ रही है, इसके ऊपर नजर डालते हैं। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये अपडेट जिसको भी पता चली है वो अपने अपने रिएक्शन दे रहा है। जब आप लोगों को भी ये अपडेट पूरी पता चलेगी तब आप लोग भी अपने रिएक्शन जरूर दीजिए। लोगों का कहना ये है कि कोई भी बंदा अपनी एक्चुअली में आत्महत्या नहीं करना चाहेगा जब तक उसके ऊपर बड़ी विपत्ति नहीं आई है। इस महिला की मदद करनी चाहिए अखिलेश यादव को। पूरी अपडेट जानने के बाद आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या अभी इनकी मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर जो है उस समय काफी ज्यादा हड़कंप मच गई जब उन्नव से आई हुई महिला ने प्रमुख अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने, जब वो गाड़ी लेके आए तब उनके सामने वो खड़ी हो गई और अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क के आत्महत्या करने की कोशिश की। इसके बाद वहां पर मौजूद जो पुलिस कर्मचारी थे उन्होंने उस महिला को जल्द से जल्द पकड़ा और आत्महत्या करने के लिए नहीं दिया, जिसके कारण उसको साइड में हटा के गाड़ी जाने दे दी। इस दौरान ही जब उस महिला से बात की गई तब उस महिला ने ये बताया है कि मेरी बेटी को जो है काफी सारे दबंग लोगों ने, वहां के जो मतलब कि लोग हैं जो कि पॉलिटिक्स में ही हैं, उन्होंने जो है किडनैप कर लिया है और मेरी बेटी को जो है अपने पास रखा हुआ है, और हमने जब उनके ऊपर केस डाला तब पुलिस कर्मचारी भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि समाजवाद पार्टी के ही वो लोग हैं जिन्होंने इनकी लड़की को जो है किडनैप करके अपने पास रखा हुआ है और वो वापस नहीं आने दे रहे हैं, जिसके बाद वहां के जो पुलिस कर्मचारी है इनका दबदबाव देख के वो केस तक दर्ज नहीं कर रहे हैं। अभी इसके ऊपर जो है लोग काफी ज्यादा रिएक्शन दे रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि महिला के साथ सच में ऐसा हुआ है, इसीलिए वो महिला जो है अपनी जान भी देने के लिए तैयार है क्योंकि उसके पास और कोई जरिया नहीं है। अभी अखिलेश यादव को जो है इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अभी आपका क्या विचार है आप भी बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।